Hello guys, welcome to Manuver Education. So all the MBA CET aspirants option form filling for CAP round 2 has been started. So yes, online submission and confirmation of option form filling start ho gaya hai. And now you can start filling your options, login karna hai and then jitne bhi students wo CAP round 1 mein college allot nahi hua hai, jo betterment ke liye gaye hai, ya fir jinhone CAP round 1 mein participate nahi kiya hai, so yes, aap sab jo hai option form fill kar sakte ho. So option form fill kaise karna hai, is particular video mein hum dekhenge step by step. So yes guys, make sure to subscribe Manuver MBA Entrance channel. And if you're watching this video on Manuver Education, make sure to subscribe Manuver MBA Entrance, link for which is given in the description. So yes, we'll start with the process. So सबसे पहले गाइस आप लोगों को जो है CET सर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके MBA/MMS पे क्लिक कर लेना है एंड देन लॉग इन कर लेना है. जैसे ही आप लॉग इन कर लोगे गाइस, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 2. सो यस, ये पर्टिकुलर जो लिंक है ये एक्टिवेट हो गई है. अब जो है इसके थ्रू आप आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर कैप राउंड 2 स्टार्ट कर सकते हो. सो ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. सो यस, जैसे ही आप यहाँ पे देख लोगे, आपको यहाँ से स्टेटस देखने को मिल जाएगा दैट स्टेटस ऑफ ऑप्शन फॉर्म फिलिंग 2 नॉट कन्फर्म बिकॉज ये सब तक फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है. जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, सो यहाँ पे जो आपको स्टेटस कन्फर्म दिख जाएगा. सो यस, यहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो. मेक श्योर दैट आप इंस्ट्रक्शंस एक केयरफुली रीड कर लो. ऑल्सो मेक श्योर दैट आप जो अच्छी कॉलेजेस है उसको प्रेफरेंस पे पहले रखना एंड देन बाद में जो है आप धीरे धीरे थोड़ी सी लो ग्रेड कॉलेजेस पे जा सकते हो. बट मेक श्योर जो अच्छी कॉलेजेस है आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखो. एंड मेक श्योर दैट आप ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद उसको सबमिट करना है एंड आपको कन्फर्म भी करना है. अगर आपने ऐसा नहीं किया दैट आपका जो ऑप्शन फॉर्म फिल है वो कन्फर्म नहीं होगा. एंड ये जो ऑप्शन फॉर्म फिल आप कन्फर्म करने वाले हो विल बी ओनली कंसिडर्ड फॉर द कैप राउंड 2 एडमिशन प्रोसेस. सो यस, ये सारे जो डिटेल्स है आप ध्यान से रीड कर लो. सो यस, यूर विल स्टार्ट फिलिंग द न्यू ऑप्शंस. सबसे पहले जो है आपको कोर्सेज सिलेक्ट कर लेने हैं, MBA, MMS. अगर आप कोई स्पेसिफिकेशन में देख रहे हो सो वो हिसाब से जो है आप आपके स्पेसिफिकेशन कोर्स के हिसाब से भी यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो. सो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं. कोर्स सिलेक्ट कर लेने के बाद आप इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कर लेना. रिकमेंडेड है कि आप सारे ही टिक कर लो सो दैट आपको जो है काफ़ी सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे. यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस देख रहे हो या पुणे यूनिवर्सिटी की कॉलेज देख रहे हो. सो वही हिसाब से जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है. एंड देन जो है आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ तक आपने कर लिया तो आपको करना है सेव एंड प्रोसीड. अगर आपने प्रीवियस कोई एरर किया है, आपको कोई और कॉलेजेस या कोई और कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, सो ऑब्वियसली आप बैक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो. सो यहाँ पर हम कर लेंगे सेव एंड प्रोसीड. सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे जो है आप कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हो, कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आपके कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज अलाउट हुआ है और अगर आपने उसको बेटरमेंट के लिए ऑप्शन दिया है सो यस, वो भी जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा. यहाँ पर जो है हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं. एंड येस, आपको ऑलरेडी जो कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है अगर आप बेटरमेंट के लिए गए सो वो जो है आपको नीचे देखने को मिल जाएगा और उसमें एक रेड कलर का रिमार्क भी होगा. अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे जो है कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो. कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको कर लेना है सेव एंड प्रोसीड. सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आप जो है यहाँ पे प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो. आपको कौन सी कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पर डालना है, कौन सी कॉलेज को सेकंड प्रेफरेंस पर डालना है, आपको बस उस पर्टिकुलर कॉलेज पर टिक करना है. एंड इन एरोज़ की हेल्प से आप उसको मूव कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस भी सेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जमुना लाल बजाज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो आपको सिर्फ एरो यूज़ करके उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर ले आना है. सिडनम को आपको सेकेंड प्रेफरेंस देना है तो यस, इस पर्टिकुलर कॉलेज पर क्लिक करके जो आप है उसको सेकेंड तक ड्रैग कर सकते हो. SIS को अगर आपको थर्ड प्रेफरेंस देना है सो इस तरीके से जो है आप उसको थर्ड प्रेफरेंस दे सकते हो. एंड वो हिसाब से जो आप है कॉलेजेस यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मेक श्योर जो अच्छे कॉलेजेस है आप उसको पहले प्रेफरेंसेस पे रखो ताकि आप यहाँ पर जो है कैप राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाए. सो उसके बाद जो है आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो. सेव एंड प्रोसीड कर लेने के बाद अगर आपको और कोई कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, MMS, MBA या कोई और स्पेसिफिकेशन का आपको कोर्स सेलेक्ट करना है सो यस, आप यहाँ से क्लिक करके बैक जाके सेलेक्ट कर सकते हो. कॉलेजेस और ऐड करने हैं तो आप यहाँ इस पर्टिकुलर ऑप्शन यूज़ करके कॉलेजेस ऐड कर सकते हो. एंड इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ करके आप बैक जाके जो है प्रेफरेंस रीसेट कर सकते हो. पर जो अभी आपने प्रेफरेंस सेट किया है वो आपको डेटा यहाँ देखने को मिल जाएगा. इस तरीके से आपके प्रेफरेंस नंबर के साथ चॉइस कोड जो कि कॉलेज का चॉइस कोड होता है, कोर्स एंड कॉलेज का नेम, सो आपको जो है इस तरीके का प्रेफरेंस यहाँ पे
देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं दैट बिफोर कन्फर्मेशन वेरीफाई योर चॉइस कोड एंड प्रेफरेंसेस केयरफुली, इफ़ नॉट सेटिस्फाइड मेक श्योर जो कॉलेजेस के चॉइस कोड है वो आप वेरीफाई कर लो एंड मेक श्योर दैट आप प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो इस पर्टिकुलर लिस्ट से, प्रेफरेंस लिस्ट है जो आपने बनाई है, एंड देन ओनली आप जो है आपको ऑप्शन फॉर्म कन्फर्म करना। एंड इसके बाद जो है इसको कन्फर्म करने के लिए आपको जो है आपका पासवर्ड ऐड करना होगा, यहाँ पे एंटर करना होगा, देन ओनली विल बी एबल टू कन्फर्म। आप जब यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक कर लोगे तो जो है आपको एक ओटीपी आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी एंटर करने के बाद जो है अगर वो ओटीपी मैच होता है तो आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जो है कन्फर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है आपका पासवर्ड ऐड कर देना है एंड जो भी ओटीपी आएगा आप उसको कन्फर्म कर लेना है। सो यस गाइस, कुछ इस तरीके से जो है आपको आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कम्प्लीट करना है। एंड अगर कोई एरर वगैरह है सो डेफिनेटली आप सबमिट करने से पहले उसको फिक्स कर सकते हो, सबमिट करने के बाद जो है आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर आपको कट ऑफ देखना है कि आपके क्या चांसेस बन रहे हैं कॉलेजेस में, सो ऑब्वियसली ये जो डेटा है आप रेफर कर सकते हो, ये जो डेटा है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी सीट्स फॉर कैप राउंड वन एंड कट ऑफ फॉर ऑल इंडिया स्टेट। सो इसकी हेल्प लेके जो है आप कॉलेजेस के कट ऑफ समझ सकते हो एंड आपके स्कोर के हिसाब से जो है कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हो। सो यस, मेक श्योर दैट आप इन पर्टिकुलर लिस्ट जो PDF आउट हुआ है सी टी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट से उसको गो थ्रू करके, इसको प्रॉपरली रीड करके, इस पर हमने ऑलरेडी इन डिटेल वीडियो बनाया है, सो यस आप वो भी देख सकते हो। एंड कट ऑफ को लेकर अगर आपको कोई ज़्यादा डाउट एंड क्वेरी है सो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, 90% के रेंज में, 80% के रेंज में, 70% के रेंज में क्या कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, उस पर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है एंड PDF भी अवेलेबल है, सो वो भी आप जो है डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप ये पर्टिकुलर कट ऑफ लिस्ट जो CET सर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट हुई है कैप राउंड वन के लिए, आप वो भी रेफर कर सकते हो। सो मोर और लेस इन सारे सोर्सेज की हेल्प लेके आप जो है अपने ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड टू के लिए जो है फिल करके कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जो है गाइस आपका जो सीट अलॉटमेंट होने वाला है जो कि होगा 11th of August 2023, बट जो आपके कैप राउंड टू की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आई है दैट इज 9th of August 2023। सो यस, आपके पास कल तक का टाइम है, मेक श्योर डैट आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रॉपरली कर लो, टेक योर टाइम, रिसर्च कर लो एंड जो भी सोर्सेज अभी मैंने डिस्कस किए वो हिसाब से जो है आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग डेफिनेटली कन्फर्म कर सकते हो। सो यस गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस अपडेट एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। एंड फिर भी अगर गाइज कोई डाउट एंड क्वेरीज है वो डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो या फिर कैप राउंड के नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर भी कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट वीडियोज़ एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।